हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की विधानसभा हरोली में करोड़ों के विकास कार्य जनता को समर्पित किए। इस दौरान कांगड़ा में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने यहां से विधायक और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर कटाक्ष भी किए। जयराम ने मुकेश को ललकारा और कहा कि उन्होंने इस विधानसभा में पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए भवनों के बिना प्रयोग के खंडहर की तरह बने रहने को लेकर नेता विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की विधानसभा हरोली में करोड़ों के विकास कार्य जनता को समर्पित किए। इस दौरान कांगड़ा में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने यहां से विधायक और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर कटाक्ष किए। जयराम ने मुकेश को ललकारा और कहा कि उन्होंने इस विधानसभा में पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए भवनों के बिना प्रयोग के खंडहर की तरह बने रहने को लेकर नेता विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने विधानसभा सत्र में नेता विपक्ष से इस बाबत सवाल पूछे जाने की बात कही। उन्होंने इसे सरकारी पैसा का व्यर्थ होना बताया। मैं देखने लगा कि क्या हुआ होगा, तो सामने एक भवन दिख रहा है जिसकी छत दिख रही है, एक मंजिल दिख रही है। मुझे बताया गया कि ये डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया, और इसका जब उद्घाटन किया तो भाषण ये दिया गया कि टूरिस्ट आएंगे, मक्की की रोटी खाएंगे, लस्सी पिएंगे, मक्खन खाएंगे, आनंद लेंगे, और उसके बाद आपके इस क्षेत्र में टूरिस्ट जो है हर जगह जो आता जाता दिखेगा। लेकिन टूरिस्ट कितने आए, जिस दिन से इस भवन का उद्घाटन हुआ है अभी तक ताला ही नहीं खुल पाया है। हम ही यहां पर टूरिस्ट के रूप में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे सिवाय कोई नहीं आया होगा इसका दर्शन करने के लिए। हम इन सारी चीजों को इस तरह से नहीं कह रहे, आप काम करिए, विकास करिए, लेकिन जो चीज जहां जिस रूप में होनी चाहिए उस पर सोचना चाहिए। और यहां एक नहीं अनेक जगह हमने ऐसी भी चीजें देखी जहां करोड़ों रुपए लगाए लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। भवन बने हैं लेकिन भवन खंडहर की तरफ बनने के लिए 2-3 साल के कार्यकाल में होने की दिशा में हो। कभी कल्पना नहीं की कि इस विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता किस चीज की है। जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज यहां पर होनी चाहिए। अब भवन खड़ा करके, करोड़ों रुपए का भवन बना करके वहां पर उसको विकास नहीं कहा जा सकता जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा। अगर करोड़ों रुपए का भवन बना है तो उस भवन का उपयोग विकास के उस काम के लिए होना चाहिए जिसके लिए उस भवन को बनाया गया। जयराम ठाकुर ने इस दौरान इन्वेस्टर मीट पर नेता विपक्ष द्वारा सवाल उठाने पर उन्हें उनके कार्यकाल में इसके लिए असफल प्रयास की बात याद दिलाई कि उन्होंने कहा कि आप भी विदेश घूमकर आए हैं और वो भी सरकारी पैसे पर, लेकिन अगर हम भी इन्वेस्टर मीट का हिसाब मांगेंगे तो बात दूर तक जाएगी। धर्मशाला इन्वेस्टर मीट बीजेपी सरकार का प्रयास सफल हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार की इन्वेस्टर मीट पर बीजेपी द्वारा सवाल पूछे जाने पर दिक्कत खड़ी होने का दावा किया। सरकार ने वहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की पैसा खर्च कर दिया और उसके हिसाब मांग रहे हैं। मांगिए कोई बात नहीं, लेकिन ये हिसाब मांगना, जब हम भी हिसाब मांगे तो बहुत मुश्किल होगा। हमने तो पैसा खर्च किया, हमने वो कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन भाई मुकेश जी हम इस बात को जरूर पूछना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टर मीट करने के लिए आप भी घूमे थे पूरे प्रदेश भर में और उस पर लाखों रुपए खर्च किया गया था। हमने तो प्रदेश के प्रधानमंत्री को 1 साल के कार्यकाल में जो 2 बार हिमाचल प्रदेश में ला करके धर्मशाला में पहुंचाया, लेकिन आप हमको बताएं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।